किसान भाइयों, ये है हमारा 5 HP का डीजल पंप सेट, जिसमें कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो है इतना भाग जो है ये पंप का है और इतना भाग इंजन का है। अब इंजन में क्या है कि ये 1400 से 1500 RPM पर ये 5 HP डेवलप करता है, यानी कि बनाता है, और ये डीजल से इसको चलाया जाता है। और इस ढंग से इसका रखरखाव अति आवश्यक है। अगर रखरखाव अगर नहीं जानते हैं तो ये इंजन बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये डीजल फिल्टर है, यहाँ से ये इस नट को यहाँ से खोलेंगे, इसके बाद अंदर से एक डीजल फिल्टर निकलेगा। डीजल फिल्टर निकाल देने के बाद वो नया बदलना है, जो कि 100 घंटा चलने के बाद, 100 घंटा अगर जब चल जाता है तो इसके अंदर 3.5 लीटर लगभग एक लुब्रिकेंट लगता है, जिसको कि 2040 ग्रेड होता है मोबिल का, और इसमें डाला जाता है। और इसके अंदर भी एक फिल्टर होता है। यहाँ पर फिल्टर को भी एक अच्छी तरह से साफ कर देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक मोबिल का एक फिल्टर होता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नट खोल करके हम इसको ड्रेन करेंगे मोबिल को। तो मोबिल जब ड्रेन हो जाएगा अच्छी तरह से, तो उसको कपड़ा से सफाई करने के बाद हम इसको अब जब भी हम मोबिल डालेंगे तो यहाँ से हम इसका गेज निकाल करके यहाँ देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो लेवल है, एक मैक्सिमम है, एक न्यूनतम है। अगर आप जैसे बीच में अगर रहना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इसको देख कर करके ही ऑपरेटर को पंप सेट को ऑपरेट करना चाहिए, यानी कि चलाना चाहिए। अब ये एयर क्लीनर है। अब एयर क्लीनर दो टाइप का होता है, एक होता है वाइल वाथ और एक ड्राई। जैसे ये ड्राई टाइप का फिल्टर है। ड्राई टाइप में क्या होता है कि हम एयर प्रेशर से इसको सफाई कर देते हैं, और इसको क्या होता है कि हर एक सर्विसिंग पर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये जो वाइल बात है, इसको हम रिप्लेस नहीं करते हैं। इसमें देखिए एक जाली है यहाँ पर, और यहाँ पर एक 2040 का मोबिल डाला हुआ है। मोबिल है क्या कि अगर ये हम ढक्कन लगाते हैं तो ये मेरा जाली जो है उसके अंदर डूब जाना चाहिए। तब क्या होगा कि हमारा यहाँ से एयर जाएगा, और एयर जाने के बाद सबसे पहले इसमें डुबकी लगाएगा, यानी कि हवा जो है मोबिल में डुबकी लगाते हुए इस जाली में जाएगा, और जाली में जाते हुए हमारा इनलेट वाल्व होते हुए पिस्टन पर पहुंचेगा।